मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स। तो अभी हम दीदी के घर हैं और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं रेस्ट हाउस। तो गाइस अभी हम रेडी कर रहे हैं, रेडी होकर हम निकलते हैं रेस्ट हाउस। कौन सा रेस्ट हाउस जाएंगे वो बाद में बताएंगे, बट अभी तैयार होकर निकलना। जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन। हेलो गाइस, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तुझे कल बुलाएगा है जुनू सची ने। तो गाइस हम आ चुके हैं, जरा आप देख सकते हैं पताल टॉप पे नजारा है, और हमको जो जाना है वो वहाँ पर, आप देख रहे होंगे वहाँ पर पहुँचा, बट इधर का भी नजारा है, देख लेते हैं उसके बाद में निकलेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत मस्त लग रहा है। ये देख सकते हैं बहुत, यहाँ पर बहुत सुविधा है, देख सकते हैं घर है, देख सकते हैं आप, कोई भी आता है उसके लिए घर बुकिंग रहती है, ऊपर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पानी पीने के लिए टंकी की व्यवस्था है। रुकना न रहो में रोके अगर कर तुझे सकते हैं कितना अच्छा नजारा है। और मैं जहाँ पर जो खड़ा हूँ इसके नीचे सीधा पतालकोट है, और ये पतालकोट पहाड़ी हम रास्ते में पड़ता है। तो घूमते हैं, आपको नजारा दिखा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है गाइस, बहुत एक्साइटेड है, पहली बार आए हैं जिंदगी में, शायद पहली बार आए, तो आप भी आइए और देखिए यहाँ का नज़ारा कि पतालकोट किसे कहते हैं, आपको भी पता चलेगा। तो चलते हैं आगे, दिखाएंगे हम नज़ारा। देख लो गाइस, पतालकोट के व्यक्ति छीन लेके आ रहे हैं नीचे से, छीन, ये नीचे जाने का रास्ता है। अगर आपको जाना पतालकोट नीचे तो ये सीढ़ी लगी है, आप सीधा उतर जाएंगे, उधर पास में पड़ेगा समथिंग समथिंग 500 मीटर 1 किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर पड़ेगा। तो गाइस हम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं पतालकोट के किनारे, बट उधर हमको नहीं जाना है, हमको जाना ये टोली टंकते हैं और आपको नज़ारा बताएंगे आगे का। पहाड़ी टोली, पहाड़ी या टोली। हम चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है क्या करे। तो गाइस हम आ चुके हैं पतालकोट के जगह पर, और इधर कारियम है और इधर रातेड़ है, यानी कि ये दोनों गांव जो है वो पतालकोट के बीचों बीच पड़ता है। इधर भी रोड लगी हुई है, इधर भी, आप दोनों गांव में से कोई सा भी विलेज उतर सकते हैं। तो चलिए पतालकोट का और अच्छा अच्छा सीन आपको बताते हैं, तो बने रहें वीडियो पे, चलिए आगे। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें जो। तो गाइस आप जो देख रहे होंगे ये गड्ढा जो दिख रहा है आपको, इसको नांगनी गुफा कहते हैं। पतालकोट में आप आओगे कारियाम रातेड़ से होके आपको जाना पड़ेगा, जो आप गड्ढा देख रहे हो यहाँ पर नांगनी गुफा है, यानी नागिन जहाँ पर रहा करती थी, इच्छाधारी नागिन। तो कभी आओगे तो आपको पता चलेगा। तो चलते हैं अब यहाँ से गाइस, चलिए। हम धड़कने
से डर के धड़कने दो, क्यों ना कोई आग दबे। ये आदि शिवाजी लोगों का सहल चित्र है, आप देख सकते हैं ये गाय, ये भैंस और ये पता नहीं कौन सा चित्र है, बट ये गाय। चलिए देखते हैं आगे। सोना जो बढ़ने भड़कने को, खुल है जो पल कहिए नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्र जो थी पीछे। ये देसी जड़ी बूटी है गाइस, आप बताइए, अगर आप जानते होंगे तो बताइए कौन सी जड़ी बूटी है, इसको क्या कहते हैं। मुझे तो एक भी नहीं पता कि इन लोगों को क्या कहते हैं, जंगली देसी जड़ी बूटी। चलो आगे चलते। तर गई निकले उनसे आगे हम, हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे क्या। ये आ चुका रेस्ट हाउस का लास्ट गेट और इसके बाद में हम निकलते हैं। ये हमारे साथ के शुभम एंड संदीप और ये पतालकोट पार्किंग। तो गाइस हमने रेस्ट हाउस घूम लिया और आपको पूरा हमने पतालकोट का एरिया दिखाया और ये क्या है, ये जड़ी बूटी देख रहे हैं, ये पनी में जो चीज है वो जड़ी बूटी है हमारी खांसी के लिए ली है। और अब इसके बाद में हम चलते हैं सीधा घर, जहाँ भी रुकेंगे बताएंगे आपको, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए आप भी। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा दस्ता, भूला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहर समंदर पे। गाइस हम पहुंच चुके हैं फिलहाल घर और आपको हमने दिखाया रेस्ट हाउस का पूरा सीन, पतालकोट का नज़ारा। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आप कैसे चाहते हैं आपकी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।